कि डोगरों को एक साथ होकर चलना है, अगर आप एक दूसरे के साथ रंजिशें रखेंगे तो कृपया करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। पहले शो में क्या हुआ, मैं हिंदी में बात करूं, पहले शो में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, इससे अच्छा है हम आगे क्या करने जा रहे हैं तो इस पे बात करनी चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज, पहले शो में जो कंट्रोवर्सी हुई, मुझे ऐसा लगता है कि देखो आशीष कोहली के नाम पे कोई कुछ बोलते, संयम पंडो को बोलते, कुसुम मैडम को बोलते, सपना मैडम को बोलते, विक्रम सर को बोलते, यार हम तो अब हमें अब इतनी देर हो गई, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और शायद इनको नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई छोटी बच्ची, जैसे ख्वाहिश है, अभी एक साल हुआ ऐसा हुआ, ऐसी बच्ची को जरूर फर्क पड़ सकता है जो अभी ग्रो कर रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा भैया, अगर आपको किसी के नाम पर अपने आप को हाइप देनी है ना, तो यार तो छोटे छोटे बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं ना, उनका नाम लेकर उनका मुराल बटाओ कर। एक ये छोटी बच्ची भी है, बड़ी अच्छी अच्छी डांसर है। अब कई लोग आते हैं जिनको डांस की ABCD नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं डांस नहीं करना चाहता, मैं बोलता हूँ ये बच्चे को डांस नहीं आता, ठीक है, उस बच्ची का नाम लेकर मैं थोड़ी सी हाइप ले लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बच्ची का मोराल जो डाउन होगा, भाई आशीष को ले आया तो उसने मेरा नाम ले लिया। तो मेरे ख्याल से ऐसे शो में कॉन्ट्रोवर्सीज यार होती भी है ना, तो उन हमारे जो अभी ग्रो कर रहे हैं ना बच्चे, जो आर्टिस्ट लोग हैं, उनका मोराल डाउन नहीं होना चाहिए, उनका मोराल हमें बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग अगर उनका मोराल बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री में कोई हाथ पकड़ के भी नहीं चलाता है, तो हम उनका हाथ पकड़ के चलाएंगे। और मेरे बात से मुझे लगता है कि कुसुम मैडम भी सहमत होंगी, क्योंकि आज आप कुछ ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आए जिनको 6 महीने नहीं हुआ काम करते हुए, और उन्होंने कुसुम मैडम का नाम लिया, उनको ये भी नहीं पता कि कुसुम मैडम कितने सालों से काम कर रही है, उनको ये भी नहीं पता कि Z5 में अभी 10 दिन हुए एक फिल्म रिलीज हुए जो आज ट्रेंडिंग में 3rd नंबर पे चल रही है, Am I Next, उसमें कुसुम मैडम है। तो मेरे ख्याल से जो लोग इस तरह की कंट्रोवर्सी करके या आज आपके शो के लिए कुछ लोग सबरी बोल रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। प्लीज ऐसी चीजों से हमें आगे बढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि आयान जैसे 10 लोग और आए जो ऐसे सीजन डाले, ना कि आयान को या मोहित जी को या रवि जी को उनका मोराल डाउन करें। एडिटिंग पहले शो में भी अच्छी थी, एडिटिंग इसमें भी अच्छी है। राम राम। आशीष सर, मेरा मैं आपसे एक बात पूछूंगा। आशीष सर, मेरा क्वेश्चन है, आपने जो मोराल डाउन की बात की, आज मेरे साथ सुबह एक वाक्य हुआ, आप अपने बच्चों की बात कर रहे हो, मेरे साथ रोज होता है। सर, मैं आपसे कुछ सजेशन लेना चाहता हूँ, जेन्युइनली आज मैंने आज ये नहीं, ये जो आप देख रहे हो इवेंट, ये आज नहीं होता। मैंने मुझे सुबह किसी ने कोई मैसेजेस भेजे, स्क्रीनशॉट भेजे, बड़ा कुछ आया मेरे पास शो के बारे में, मेरे करेक्टर के बारे में, गलत 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 बहुत बोला गया, और मैं उस इंसान को नहीं जानता, ऑनेस्टली मेरे को पता भी नहीं था कौन था। एंड आई वाज लाइक, यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आप मानोगे, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट टाइम। हम रात को 5 बजे सोए हैं सिर्फ ये बनाने के लिए, और 2:30 बजे तक रवि भैया रेंडर कर रहे थे, तो हर चीज़ में टाइम लगता है। तो मुझे ये जानना, मेरा मॉरल मिला, चलते टाइम अगर पैरों में कंकर या नोकीले पत्थर ही ना आए तो चलने का मजा ही। अगर आपको हर जगह मतलब बड़ी लुक पड़ी हुई रोड मिले, बड़ी जबरदस्त रोड कंक्रीट की, तो मजा नहीं आएगा चलने का। जब तक आप चलते हुए डगमगाओगे नहीं, तो मुझे लगता है मजा नहीं आएगा चलने का। अब मैं और संयम यार, कितना लोग बोलते हैं मेरे हर वीडियो में, इसको मुझे बोल रहे होते हैं, तो मुझे सच बात बोलो, जब तक कोई बोले ना, मुझे तो वीडियो का मजा नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अगर कोई आपको बोल रहा है तो वो आपको देख रहा है तभी बोल रहा है यार, इसलिए मैं तो चाहता हूँ मुझे देखो और बोलो, ठीक है। और सड़क के ऊपर पत्थर होने चाहिए, अगर पत्थर होंगे तभी आप गिरेंगे भी, और गिरेंगे तो कोई आपको संभालेगा भी। I was very shocked, ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसी इमेज रखता हूँ कि मेरे बारे में सब शायद अच्छा ही बोलते हैं, और मेरी इमेज ऐसी है नहीं। फिर आप गलत हो, फिर आप गलत हो, अगर आपके लिए सब अच्छा बोलते हैं फिर आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको ग्रो करना है तो 10 में से 9 लोग आपके बारे में बुरा बोले, तभी आप ग्रो करेंगे। बोलिंग तो इतना गलत मैंने आज तक कभी फेस नहीं किया,
उनको उनको जवाब दो राम राम से। इतनी टेंशन क्यों ले रहा है तू इतना इतना अच्छा कर रहा है यार जमुई राम राम से जवाब दो। तो ये टेंशन ले लेता रवि भी इसको समझा दे कि टेंशन क्यों ले ली भाई। जिसको टेंशन है सुसु कराओ। तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पर आए हैं हमारे जम्मू के हमारे भाई बहन जितने भी आए हैं सभी को नमस्कार। और आप सभी लोग आपकी जनरेशन में सबके दिमाग में आता है शायद ख्वाहिश को भी आता होगा इनके भी आता होगा लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं ना उनको भी देखना पड़ेगा वो कितनी कितनी देर से काम कर रहे हैं। मैं अपना एक छोटा सा इंसिडेंट देता हूँ। मेरे एक दोस्त की शादी थी। दोस्त भी बड़ा लंगोटिया दोस्त था तो उस दिन मैंने पूरा दिन कोई खबरें नहीं की उसका उसकी मेरे को एक मतलब रिक्वेस्ट थी कि तुम्हें एक काम नहीं करना मेरे साथ रहना है मैंने घोड़ी चढ़ना तो मेरे करने करने चलना। और उन दिनों कोरोना के दिन थे तो खबरें आती थी भाई 10 केस आ गए 15 केस आ गए वो लोगों में बड़ा एक ना क्यूरियोसिटी रहती थी कहाँ से केस आ रहे हैं अब उन जगह पे नहीं जाना हमें तो खबर आ गई 7 बजे का टाइम था एग्जाम्पल तो मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ। रात 11 बजे नहीं थी उतनी ऑडियंस तो मिलती 7 बजे आने की 11 बजे लेकिन उस पर कमेंट आया एक आदमी का उसने ये कहा कि ये खबर हमें 7 बजे की पता है लेकिन कन्फर्म अभी हुई है। तो आपको अपनी जगह बनानी है जो आप बना रहे हैं आपको ये नहीं सोचना कि कोई अपनी जगह पे आपको आगे बैठा देगा। अब जो आप हो आप हो रोहित जी हैं संतूर में जम्मू में अगर किसी का नाम संतूर में आता तो इनका आता। अब मैं बोलूं कि मैं भी संतूर कर शुरू कर दूँ बनाने और मैं बोलूँ कि मैंने ये जगह लेनी है वो मैं कभी नहीं ले सकता कभी नहीं ले सकता ठीक है ना। तो उसके लिए आपको अपनी एक बनानी है और आप बना रहे हो आपको लोग जान रहे हैं इतने लोग जान रहे हैं तो ये सारी क्रीम ही है। तो ऐसा मत कहो कि ये तीन लोग आपको आदित्य जी जैसे डायरेक्टर मिले हैं वो आपको हर गाने में काम दे रहे हैं। आपकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी बहु काजा में तो मुझे लगता है कि उस कंट्रोवर्सी में तब मैंने इंटरव्यू में भी आपको कहा था कि आप इंटरव्यू मत दो अपना एक और गाना निकालो अगले दिन उनको पता चल रहा है कि जिसके साथ कंट्रोवर्सी हुई है ये तो एक और गाना निकाल गया। तो अपनी स्पेस आपको खुद ऐसे बनानी है जो सब बना सकते।